रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। प्री मानसून की दस्तक, तेज हवाओं व हल्की बूंदाबांदी ने दी भीषण गर्मी से राहत। सोमवार को आसमान पर छाए बादल। लगातार भीषण गर्मी के बाद सोमवार सुबह तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को राहत दी। रविवार को तहसील का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ऐसे में इंसान से लेकर पशु पक्षी भीषण गर्मी से बेहाल थे। वहीं अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान थे, लेकिन जैसे ही सुबह तेज हवाएं बूंदाबांदी शुरू हुई, भीषण गर्मी से राहत मिली। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में मानसून जून के पहले सप्ताह में मानसून की बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं सोमवार को प्री मानसून ने दस्तक दी और लोगों ने राहत महसूस की है। वहीं तेज आंधी से दो पहिया वाहन चालकों के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। आदिवासी परिवार को न्याय दिलाने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बेगमगंज एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। दो साल पहले हुई थी युवती अगपा, अब तक नहीं मिली। तहसील के ग्राम घाना कला पुलिस थाना सुल्तानगंज निवासी घूरन सिंह पूरन पिता करोड़ी लाल आदिवासी के पक्ष में आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बेगमगंज एसडीएम के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में मांग की है कि घूरन सिंह के बेटी विगत दो साल पहले से लापता है। गांव के लोग उसे अगवा कर ले गए थे, जिसकी रिपोर्ट थाना सुल्तानगंज में दर्ज कराई गई थी। आरोपी रज्जू राजपूत गांव का ही निवासी है, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लड़के के परिवार के पिता, अन्य रिश्तेदार घर आकर बार बार पीड़ित परिवार को धमकाते हैं और रिपोर्ट वापस लेने की धमकी देते हैं। लड़का पक्ष ने बार बार धमकाया जा रहा है, राजीनामा के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसी बात के चलते दो वर्ष गुजर गए, लेकिन लड़की का आज तक कोई पता नहीं है। पीड़ित पिता ने कहा, हमारी बेटी को मार दिया गया है, हम लोग थाने पहुंचे फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में मांग की है कि हम आदिवासी समाज को ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक कारणों के चलते प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। प्रशासन के द्वारा अगर 24 घंटे के अंदर न्याय नहीं मिला तो हम सभी आदिवासी 25 मई को बड़ी संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। पिता ने की स्वेच्छा मृत्यु की मांग। युवती के पिता घूरन आदिवासी ने परिवार सहित स्वेच्छा मृत्यु की मांग का आवेदन बेगमगंज एसडीएम को दिया है, जिसमें लिखा है कि मेरी लड़की के साथ घटना घटी है, जिससे मेरी समाज में छवि खराब हुई है। हमारे पूरे परिवार को सदमा बैठ गया है। लड़की की माँ एवं तीन बच्चे एवं मैं स्वयं स्वेच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ, क्योंकि प्रशासन के द्वारा मुझे आज तक न्याय नहीं दिलाया गया है। समाज में मेरा कोई स्थान नहीं रहा है। इन्हीं सभी कारणों के चलते हम स्वेच्छा मृत्यु चाहते हैं, जिसकी अनुमति दी जाए। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।